हेलो फ्रेंड, आज फिर से स्वागत हमारे चैनल में। और मैं आज और आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं जानकारी दूंगा भाइयों। जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, जो घुटनों का दर्द आमतौर पर सभी के जो 50 या 60 साल के बाद में सबके होने लग जाता है, उससे आप जड़ से छुटकारा आप कैसे पाएं। तो फ्रेंड, ये आपके सामने जो औषधि दिख रही है, इसको हम हमारे केरिया का फौदा इसको बोलते हैं। ये देख लीजिए, इसको इस तरह के कुछ आपको फूल अभी जो मार्च अप्रैल महीने के अंदर आते हैं और इसका एक केरिया बनता है। ये आप आमतौर पर जंगल में मिलेगा, ये कहीं पे भी आपको देख लीजिए, जंगल आपके सामने वीडियो के अंदर। तो मैंने इसको जंगल के पास रोड के पास ही ये मिला है। तो इसको आपको क्या करना फ्रेंड्स, आपको इसको तोड़ना है। तो मैंने इसे निकाला थोड़ा बहुत, ये आप देख रहे, इसको मसलने के बाद आपको क्या करना है, तकरीबन ये 100 ग्राम फूल आपको डेली लेने हैं। डेली लेके आपको क्या करना है, इसको मसल के इसका रस को निचोड़ के और हल्दी में मिला के आपने घुटनों पर 2 से 3 बार लेप करें, घुटनों पे लेप करें और ये लगातार 7 दिन तक करें। तो मैं आपको 100% ही आपको जो घुटनों का दर्द हुआ खत्म हो जाएगा, और उससे आप क्या फिर से चलने घूमने और उससे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पौधा आपको कहीं भी मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये मार्च और अप्रैल के महीने में ही आपको जंगलों में मिलेगा, रेगिस्तान में भी मिल जाता है, हमारे राजस्थान में तो बहुत अधिक मात्रा में इसे ये पाया जाता है। तो आपको 100 ग्राम लेना, तभी आपको इसका रस निकलेगा और उसमें से थोड़ी सी मतलब 10 या 20 ग्राम हल्दी मिला के ही आपको इसमें वो छिड़काव करना, उसको लेप लगा लेना दिन में, सुबह शाम और दोपहर को। ये लेप आपको 7 दिन तक लगाना है, उसके बाद ही जो है कि आपको घुटनों का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड, अच्छे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसा औषधि बारे में और किसान भाइयों की फसलों में और डेयरी फार्म की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर आप जरूर करें। फ्रेंड्स, धन्यवाद।